नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज से श्रृंखला चालू कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 में। और याद रखना, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस। तो याद रखना, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो याद रखना है आपको, संसार के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करने के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड। बात करते हैं आगे, और भारत में इसका भारतीय मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, इसके अभी वर्तमान में 2020 की बात कर रहा हूँ, महानिदेशक हैं टेड्रोस एडेनोम इथोपिया के हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं, ये रिपोर्ट जारी करता है WHO। कौन कौन सी हैं वो रिपोर्टें? तो यह विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, और दूसरी है स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि WHO कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, या पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो आपको याद रखना है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, और दूसरी रिपोर्ट जारी करता है स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन। इसके प्राथमिक क्षेत्र की बात करें WHO के, तो स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार, गैर संचारी रोग, संचारी रोग, कॉरपोरेट सेवाएं, निगरानी और प्रतिक्रिया इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। में स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन WHO के प्रयासों से ही हुआ था। तो याद रखना, 1980 में स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन WHO के प्रयासों से ही हुआ था। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 195 हैं, जिनमें से 193 संयुक्त राष्ट्र के भी हैं, और 2 सदस्य हैं गैर सदस्य, एक होलोसी, दूसरा फिलिस्तीन। तो याद रखना, इसके 195 देश सदस्य हैं, जिनमें 153 हैं, 193 हैं संयुक्त राष्ट्र सदस्य सभी, और 2 हैं गैर सदस्य, जो होली सी और फलस्तीन है। अब बात करते हैं इसमें स्वामीनाथन, ये भारत की हैं। सौम्या स्वामीनाथन उप महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय हैं। याद रखना, सौम्या स्वामीनाथन पहली भारतीय हैं जो उप महानिदेशक पद पर नियुक्त की गई थी। ठीक, तो ये था हमारा WHO। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग WHO के बाद, अगला होगा हमारा इसी श्रृंखला में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद देखेंगे हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में। ठीक, संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो याद रखिए, इसी कड़ी में हम लोग बात करते चलेंगे, एक के एक बाद एक ऑर्गेनाइजेशन सभी खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, आपको याद रखना है, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से या संगठनों के नाम से एक प्ले लिस्ट में सूची बना देंगे, उसी में ये सभी लेक्चर आपके पड़े रहेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको।